हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको तो हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हम कुछ निकाले हैं फोटो आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किया है। काजल जी ने फोटो डाला, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर, वेरी नाइस पिक्चर जी। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही हैं। मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता। काजल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगी किसी ने मेरा चश्मा देखा। शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया। और दिखाइए। Too good. मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे तो मैंने काट लिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं। That's the best one so far. और दिखाइए। रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि वॉज एट रेड चिलीज फॉर फिल्म, वॉचिंग इट आफ्टर So much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी। अच्छा कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देके मुझे रोक लिया था। और दिखाइए। रेवती जी आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी। इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए। और दिखाइए। और भी है। विशाल ने फोटो डाला, बिलीव मी आई मेडिटेट हेयर एवरी डे एट 6 PM शार्प, नोट डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया, वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना, अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो, कम ऑन पीपल गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है। ये सोच रही है इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। सुपर पॉसिबल। Oh ये तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। और दिखाइए। रेवती जी ने फोटो डाला, फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाओ नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स। ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी, उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में काटा। और दिखाइए। अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। उर्दू में काट लिया। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। सो ट्रू।
ये वही आदमी जो एक कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। I love the Wi-Fi वाला। The Wi-Fi was fab. Oh. Me waking up and aiming for my alarm at 7 AM. आइए देखते नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। Oh God, lovely. जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या? That's so true. और दिखाइए, ये रेवती जी ने फोटो डाला है, टेकन बाय रवि वर्मन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई, एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो, तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बींग फंकी, विशाल ने ये फोटो डाला है, आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है। माँ ने आशीर्वाद दिया था बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म। क्या क्रिएटिविटी है यार, देखो आप। हेलो रेवती मैम, हेलो काजल मैम, हाय विशाल, हेलो, हाय, हाय हस्बैंड, व्हाट, हाय हस्बैंड, दीदी आप, दीदी एप्रन तो ऐसे पहना जैसे संजीव कपूर की असिस्टेंट है। ये बहुत गॉड गिफ्टेड है मैम, खाना इतना इससे गंदा कोई बना नहीं सकता। उस दिन मछली बनाने लगी, मछली कहती बहन तेरे हाथ की खाता तो कोई है नहीं, तो मेरी जान क्यों ले रही है तू, कसम से आप इसके हाथ की मछली खा के देखो। उफ, प्लीज आप लोग कभी डिनर पे आइए, मैं एक्चुअली में खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। खाना इसने वैसे बोल दिया, पकाती बहुत अच्छा है। अभी आई है ना ये, अभी तो शुरुआत है, 2 मिनट और खड़ी रहेगी फिर आप इसका जादू देखना। रेवती मैम ये ना ऐसी बातें बनाता रहता है, मतलब ये आदमी इतना आलसी है आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के 3 महीने तक मेरा घूंघट नहीं उठाया इस आदमी ने। जब आपको ऑलरेडी पता हो अंदर प्रोडक्ट क्या है। मैंने फेरों में ही देख लिया था यही निकलेगी। मैंने उठाया नहीं घूंघट, मैं अपना घूंघट ओढ़ के सो गया। क्यों? Oh my God. तो शादी करोगे तो बीवी निकलेगी ना, बाइक नहीं निकलेगी। बाइक निकल जाती तो अच्छा होता, कहीं मैं स्टेशन पे पार्क करके आ जाता, अब तो ये भी नहीं कर सकते हम। पिछली जन्म में पक्का मेरे पैरों के नीचे ना चींटियां आई थी, इसलिए तुम्हारे जैसा पति मिला है मुझे। इस हिसाब से तो मेरे पैर के नीचे बत्तख आई होगी, इतना पक 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 करती है मैम, मैं आपको क्या बताऊं? क्या कमी है मुझ में? अगले साल बताऊंगा। अगले साल क्यों? गिनने में टाइम नहीं जाएगा, ऐसे कैसे बता देंगे। ठीक है, जो मर्जी बोलना है बोल लो, लेकिन कॉलेज में ना मैं भी बहुत क्यूट थी, एकदम काजल मैम की तरह। मेरी मम्मी बोलती थी अंजलि अंजलि, फिर इनकी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाया। फिर अब बोलती मंजुलिका मंजुलिका, कहां थे। कौन से एंगल से अंजलि लगती हो तुम? कभी राहुल की नजर से देखो, पता चल जाएगा मैं कौन सी एंगल से दिखती हूं। थोड़ा पीछे हो जाओ, हमारे मेहमान ना ब्लॉक करो कैमरा। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं पता चला ब्लॉक नहीं करते किसी को। देखिए मैम ये ना ऐसे बस बातें बनाता रहता है, और स्पेशली मेरे घर वालों के बारे में। मैम ये खुद ऐसा मौका देते हैं, पता है हम लोग जो टिश्यू पेपर यूज करके फेंक नहीं देते, इसकी मम्मी उठा के प्रेस करके फिर मेहमानों के आगे रख देती है। हाँ उस दिन एक गेस्ट आए, वो बोलते रहे इसमें तो हल्दी लगी होती है, कहती है इट्स गुड फॉर स्किन, शर्म नहीं आती इनको।
अच्छा मैं ये क्या बोले जा रहे मम्मी पापा दे वेरी रिस्पेक्टेड ये कुछ भी बोले रिस्पेक्टेड नहीं सस्पेक्टेड है वो मोहल्ले में दो तीन चोरियां हुई पुलिस को शक है उन पे अरे मैला जो मर गई रे पापा मार मार ले ब्याह गई रे ऊंचा पैरो ये देख लीजिए रिस्पेक्टेड मम्मी पापा आए अरे वाह दामाद जी हमारा आने से पहले हमारी बात चल रही थी इसका मतलब अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी फूल मती आई लव यू उम्र नहीं लंबी जुबान बड़ी लंबी इनकी मुंह में नोटों की गड्डी रख के ना एटीएम की तरह गिन लेती है कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। बोलो आगे कुछ बोलो। अरे रुको तो सही इमेजिन कर रही हूँ कितनी तारीफ कर रहे हैं मम्मी नोटों की गड्डी अरे दामाद जी मेरी तारीफ तो करते रही हूँ मेहमान आए उनका तो स्वागत कर लूँ मैं नमस्ते काजल नमस्कार देती हूँ नमस्ते हाय विशाल मीट माय हस्बैंड नमस्ते करो नमस्ते 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 अच्छा एक बात बताओ पेंगुइन अंकल आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जिससे कोई किसी के घर में जबरदस्ती रुका हो उसको निकाल सकते हो ऐसा कोई आइडिया है? है है क्या लेकिन आपको बताएंगे नहीं क्यों? हमारे छोटे जमाई को बताया तो उसने हमें ही घर से लात मार के निकाला अरे नाम ना लो उसको हम बखत का यहाँ तो हमारी मौज आ रही है मौज ले रहे हैं है कि नहीं अच्छा जमाई राजा ये लाइन क्या है आपकी लाइन इनसे पूछना है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.